मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूँ आपका NMP क्लासेस में। देखिए आज हम बताएंगे कि जो पंप सेट होता है डीजल इंजन, उसका वाल स्प्रिंग कैसे लगाता है यदि इंजन धुआं देता हो या स्टार्टिंग प्रॉब्लम आती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वाल स्प्रिंग को देखते हैं टूट गया कि नहीं टूट गया। अगर टूट गया हो उसको चेंज करके क्या करते हैं, दूसरा लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे खोलते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इस प्लेट को क्या करते हैं खोल लेते हैं, ठीक है। खोलने के बाद क्या करते हैं, इसमें देखते हैं इसके वाल स्प्रिंग को। देखिए यहाँ पर इसके वाल स्प्रिंग आपको दिख रहे हैं, दो वाल स्प्रिंग है। एक हमारा क्या देखिए लूज हो गया है, इसके मतलब क्या है वाल स्प्रिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम हेड को खोल देंगे, इसके टोटल प्लेट को, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारा क्या है, इसका प्लेट खुल चुका है। अब इसको क्या करते हैं, हम बस निकाल लेते हैं दोनों पकड़ कर। देखिए हमारा इंजन खुल चुका है। अब देखिए हमारा, देखिए वाल स्प्रिंग तो क्या है, देखिए इसका स्प्रिंग में क्या है प्रॉब्लम आ गया है। इसको क्या करेंगे, देखिए काफ़ी कचड़ा हो गया है, इसको भी क्या करेंगे निकाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, एक पैक है, इसको कैसे निकाला जाता है, आसान तरीका क्या है, हम स्पैनर लेंगे और स्पैनर से क्या करते हैं इसको पुश करके, आप काफ़ी बार करेंगे तो पुश करके क्या होगा निकल जाएगा। देखिए काफ़ी कचरा हो गया यहाँ पे, प्रेस कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अब देखिए कैसे निकलेगा, ऐसे का आप स्पैनर लेके का बार बार पुश करते रहेंगे। देखिए हमारा क्या है, इसका जो पिन था वो निकल चुका है। क्या करेंगे, किसी चाकू से या किसी से पकड़ने वाले स्थान से क्या करेंगे, इसको आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हमारा पिन का है बाहर आ चुका है, ठीक है। देखिए पिन का है हमारा बाहर आ गया है, इसको सावधानी से क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा क्या वाल स्प्रिंग निकल चुका है। अब हमारा क्या देखिए काफ़ी कचरा जम गया, इसके मतलब क्या है मोबाइल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो कचरा इतना ज़्यादा उठा रहा है। किसके कारण उठा रहा है, धुएं के कारण से, क्योंकि धुआं ज़्यादा उठा रहा है इसलिए, क्योंकि इसको वाल स्प्रिंग का है प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए हमने कहा है खोल कर दिखा दिया कैसे, अब इसको लगाना भी सिखा देंगे, ठीक है। देखिए हमारा वाल स्प्रिंग है, और वाल स्प्रिंग को लगाने से पहले क्या करेंगे, इसके बीच के डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इससे क्या होगा इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी, इसका टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। जब टेंसाइल फोर्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे लिए उतना ही आसानी होगी, इसकी क्या होगी जो कंप्रेसर रहेगा वो क्या होगा अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इस पर लोड क्या होगा बियर कर लेगा। तो दोस्तों अभी नए स्प्रिंग लगाने से पहले क्या होगा, इसके एरिया थोड़ा सा आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं या तो वही लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको टेंसाइल फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जिसकी टेंसाइल फोर्स जितना अधिक रहती है उतनी क्या होती है उसकी सही रहती है। अलग अलग तरीके से आप इसके टेंसाइल फोर्स को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसके बीच में रहता है छोटा हमारा स्प्रिंग रहता है, इसके भी एरिया क्या करते हैं हम बढ़ा देते हैं, एक करके क्या करेंगे आप लगाएंगे स्प्रिंग, तो इसकी क्या होगी मजबूती क्या होगी दोस्त त्रिपल रहेगी। देखिए हमारा ये भी दूसरा स्प्रिंग, इसको भी क्या करेंगे बढ़ा देंगे। देखिए वीडियो जल्दी हमको बनाना पड़ा है, क्योंकि जो मशीन के मालिक हैं उनको हमको जल्दी रिपेयर करके देना है, इसलिए वीडियो मैं एक जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, ओके। देखिए वाल स्प्रिंग लगाने से पहले जांच लेंगे कि मतलब क्या है, जो दोनों हमारे क्रैंक रॉड हैं वो अपने स्थान पे हैं कि नहीं है, ठीक है। यदि ये विचलित रहेंगे इसको क्या करेंगे उठाकर इनको अपने स्थान पर रख देंगे, और क्या करेंगे जैसे पंखे को घुमाएंगे क्या होगा ऊपर नीचे अप डाउन का मोशन करेगा, समझिए क्या है अपने स्थान पर है। हाँ देखिए क्या है, दोनों अपने स्थान पर है, ठीक है। अब चलिए वाल स्प्रिंग लगाते हैं, इनको दोनों का हमने ऊपर कर लिया वाल स्प्रिंग को, अब लगाते हैं। चलिए वाल स्प्रिंग, देखिए हमने वाल स्प्रिंग रख लिया है, इसमें दो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, देखिए इसमें दो लोग ज़रूरत पड़ेगी वाल स्प्रिंग लगाने के लिए। जैसे पुश होगा क्या करेंगे वाल स्प्रिंग को उसमें
डाल देंगे, एक साइड से क्या करेंगे इस पिन को भी क्या करेंगे डाल देंगे। देखिए हमारा क्या है, वॉल स्प्रिंग लग चुका है, ठीक है। देखिए हमारे असिस्टेंट जो इसको प्रेस कर रहे थे, चलिए अब दूसरा वॉल स्प्रिंग हमारा आ चुका है। अब इसका कवर प्लेट लगाएंगे और इसका फिर लॉक पिन को क्या करेंगे लाएंगे और क्या करेंगे इसको स्पैनर से प्रेस करेंगे। इसमें हमेशा दो लोग ज़रूरत पड़ेगी, एक लोग इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा पिन ऊपर लाओगे और देखिए आ गया। इसको एक बार और प्रेस करोगे थोड़ा सा, ये पिन थोड़ा सा चल जाएगा, थोड़ा सा चाहिए बस। हाँ बस ठीक ठीक। देखिए हमारा पिन का है अपने सही स्थान पे आ गया है। देखिए हमारा लॉक पिन का इसको पैक कर दिया है। हमारा क्या होगा, इस पर हम इसके मेन कवर को क्लोज करेंगे। उसको क्लोज करने से पहले क्या करेंगे, एक बार ग्रीस लेकर इसके चारों लगा देंगे, जिससे कहो मोबाइल का लीकेज ना हो, ठीक है। देखिए बहुत धुआं दे रहा था, इसलिए इसको वाल स्प्रिंग पहले हमने जांच किया। वाल स्प्रिंग से क्या था, लूज हो गया था या किसी में टूट भी जाता है। तो लूज हो जाता तो क्या होता है, इसका कंप्रेसर सही से तान नहीं पाता, इसलिए कहा उसको चेंज किया जाता है। या उसका तरीका होता है उसको क्या करते, फिर टेंसाइल फोर्स लगाकर अधिक कर देते हैं, लेकिन क्या होता है सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको मेन हेड को लाइए। देखिए हमने मेन हेड को, वन मिनट इधर रहेगा, मेन हेड को इधर ला लिया हमने। और जो हमारा बता रहे थे क्रैंक पिन है, इसके नीचे क्या करेंगे, सीधे ऐसा सेट करेंगे कि हमारा जो ये है उसके नीचे ही जाकर बैठ जाए, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, बोल्ट द्वारा इसको हम क्या करेंगे, एक बार फ्री कर देंगे पहले। चलिए बोल्ट लगाइए, इसको चारों तरफ क्या होगा बराबर से कसते हैं, इसको फिर यहाँ कसी, ठीक है, क्योंकि एकदम बिकार्ड मॉडल इसको क्या करते हैं टाइट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको करेंगे फिर यहाँ करेंगे, ठीक है। हमेशा क्या होता है इसका संबंध बिकड़ नहीं तो क्या होगा, एक तरफ का होगा टेपर हो जाएगा, इससे क्या होगा हमारा फूल नहीं कसते हैं। ओ सॉरी, ये गलती हो जाती है, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि आपको ऐसा कसना रहता है कि जितना चूड़ीधर चूड़ीधर, ठीक है, तब लीकेज का होता है उसका सही रहता है, लीकेज नहीं होता है। अगर एक तरफ आप ज़्यादा कस देंगे तो दूसरी तरफ का होगा लीकेज एयर निकाल लेगा, तो इसका होता है मोबाइल का होता है लीकेज करने लगता है। तो जो भी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको इंजन के सब डिटेल्स, सभी इंजन कैसे बनाया जाता है सब बताया जाएगा, इसके पिस्टन रिंग सब कहेगा हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बार इसको ज़रा घुमाइए फैन पंखे को, देखिए हमारा क्या है क्रैंक पिस्टन सब हमारा क्या है अपने स्थान पर है, सही जगह काम कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको कवर प्लेट लगाकर अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सक्सेस हुआ कि नहीं। देखिए हमने कवर प्लेट लगा चुके हैं और सभी इसकी दूरियां कमी जो हमारे हिसाब से जो थी 100% उसको मैंने दूर कर दिया है। वाल स्प्रिंग में कमी थी इसलिए धुआँ उठा रहा था। अब चलिए
बना तो दिए हैं, अब देखते हैं क्या सक्सेस है कि नहीं। ठीक है, अगर यहाँ से कमी था तो धुआं नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हैंडल मारी देखा जाए। देखिए हमारी क्या मशीन, हमने बनाकर फिट कर दिया इसको, इसकी प्रॉब्लम वाले स्प्रिंग से थी। तो दोस्तों आप भी अगर इस टेक्निक सीखना चाहते हो सीख सकते हो आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को देखते रहिएगा, और इंजन में कोई भी आपके प्रॉब्लम हो किसी को भी कमेंट में लिखिएगा, हम उसको बनाकर दिखा देंगे, आप भी बना लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब तक इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए।